नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और आप लोग देख रहे हो टिप्स एंड टॉस। भाई साहब, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेसबुक प्रोफाइल पे काम करते हो, पेज पे काम करते हो, इन स्ट्रीम एड पे काम करते हो और तुम्हारा एड मोनेटाइजेशन का सेटअप का ऑप्शन जो होता है ना, वो आ चुका है। इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन सेटअप का ऑप्शन आ चुका है और तुमने सेटअप भी कर लिया है, अब वो चला गया रिव्यू में और वहां से रिजेक्ट होकर आ रहा है। बार बार लोगों का रिजेक्ट होकर आ रहा है मेरे से सवाल, लगातार ये कॉमन सवाल है कि भैया क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है। हमने अपने कॉपी पेस्ट वाली सारी वीडियो डिलीट कर दी, हमने जो रिएक्शन वीडियो बनाई थी उसको भी डिलीट कर दिया, हमने जो मूवी क्लिप डाली थी उसको भी डिलीट कर दिया, जो हमने 18 प्लस वीडियो डाली थी वो भी डिलीट कर दिया, हमने जो गलत गलत रील डाले थे वो भी डिलीट कर दिए, सब कुछ तो डिलीट कर दिया। फिर आ क्यों रहा है ये, मतलब हमारा मतलब अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है। आज की वीडियो बहुत खास है भाई, देखना और समझना। अगर समझ जाओगे तुम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो तुमको ये बरगलाते हैं ना, उल्टा सीधा वीडियो बना रहे कि ये डिलीट कर दो, वो डिलीट कर दो, ऐसा कर दो, डिलीट करना है बट कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, सारी बात बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे अगर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब और सुनो। वीडियो को पूरा देखोगे ना तो एक फायदा तुमको ये मिलेगा भाई, इन फ्यूचर तुमको इस दिक्कत से तो मतलब फेस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब तुम्हारा जो इनस्ट्रीम ऐड है, अगर तुम इसको भेजते हो मोनेटाइजेशन के लिए तो मोनेटाइज होकर ही आएगा, वहां से अप्रूव होकर ही आएगा, रिजेक्ट नहीं होने वाला। तो पूरा देख लेना भैया, पूरा देखना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। पता क्या है, जिसके पास सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जैसे उन्होंने कोई कॉपी पेस्ट वीडियो डाली, कोई अलग सलग की वीडियो डाली, कोई उल्टी सीधी, आजकल क्या है ना कि उल्टी सीधी वीडियो डालकर ही लोग अपना क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, अपने फॉलोअर पूरे कर रहे हैं, अपने सब कुछ पूरे कर रहे हैं, मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया है उल्टी सीधी वीडियो से पूरा कर ले रहे हैं। फिर क्या उनको, उन्होंने जाके वो यूट्यूब पे गए कि अब इसको मोनेटाइज कैसे करें। अब क्या है, यूट्यूब पे कुछ बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे, अब वो भाई उनके थोड़े सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, अब पसीना आता रहता है उनको, सब बताते हैं वीडियो डिलीट कर दीजिए, पांच लाइक कर दीजिए और वीडियो डिलीट कर दीजिए और आपका जो मोनेटाइज हो जाएगा लाखों रुपए कमा लेंगे। और ये लोग क्या करते हैं बेचारे, डाला इन्होंने 100-100 वीडियो, 100-100 150-150 वीडियो डाल के रखा हुआ है, और जब ये अपना सेटअप के लिए मतलब सेटअप किया इन्होंने और अप्रूवल के लिए भेजा, इन्होंने अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी, उसमें छोड़ा क्या, 2-4 लाइव वीडियो छोड़ दी और आगे भेज दिया उसको कि भैया इसको अप्रूव हो जाएगा ये। क्योंकि हमने तो भाई 2-3 यूट्यूब चैनल देखे, बड़े बड़े चैनल थे वो, उन्होंने कहा भी था कि वीडियो डिलीट कर देना, उन्होंने कहा भी था वीडियो डिलीट कर देना, हमने सारी डिलीट कर दी, अब तो अप्रूव हो जाएगा। अच्छा आप ये बताओ, कॉमन सेंस की बात बताना, अगर आप किसी को, एक पागल आदमी को भी अपना पेज दोगे और आपका रीच जो है मिलियन में है, आपका फॉलोअर 45,000 30,000 20,000 फॉलोअर है, आपका इंप्रेशन मिलियन में जा रहा है, सब कुछ मिलियन में, और वीडियो सिर्फ 5-4 वो भी लाइव किया हुआ है, उस पर 100-200 व्यूज आए हैं, तो भाई क्या फेसबुक पागल है क्या? उसका जो AI सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका है, या कोई आदमी वहां पे बैठ के अगर रिव्यू कर रहा होगा, किस चीज का रिव्यू करेगा वो? आपके पेज का लोगो का रिव्यू करेगा या आपके पेज का बैनर का रिव्यू करेगा? अगर उसको यही करना होता, थोड़ी कॉमन सेंस इसमें अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तो समझ जाओगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि फेसबुक रिव्यू क्या करेगा, आपने क्या भेजा है रिव्यू करने के लिए? वीडियो आपने डिलीट कर दी, आपके जितने रील्स है आपने डिलीट कर दिए, वो भी एक साथ कर दिए। और एक बात याद रखना, जैसे ही डिलीट करोगे भाई, तुरंत तुमको स्पैम, वायलेशन, अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक तुरंत आना चालू हो जाएगी। क्योंकि देखो, चाहे यूट्यूब है चाहे फेसबुक है, अगर तुम उसमें लगातार वीडियो डिलीट शुरू करोगे ना, एक साथ करना शुरू करोगे, तो तुमको भाई ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, वायलेशन से लेके अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जब सब डिलीट ही कर दिया तो रिव्यू में भेजा क्या है? रिव्यू में जैसे आपने सेटअप का ऑप्शन, अपना आपका सेटअप का ऑप्शन आया स्ट्रीम ऐड का, आपने सेटअप भी कर लिया, पर रिव्यू में भेजा क्या आपने? आपके जब पेज पे वीडियो ही नहीं है तो वो रिव्यू क्या करेगा, मुझे बता दो बस, वो रिव्यू क्या करेगा? वो आपके पेज का बैनर रिव्यू करेगा कि लोगो रिव्यू करेगा? अब बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है इसका। जब भी आपको सेटअप का ऑप्शन आता है और आपने कॉपी पेस्ट किया है, 18 प्लस वीडियो डाल रखी है, चाहे कुछ भी डाल रखा है, ऐसा गलत सलत डाल रखा है, उसको डिलीट कर रहे हो, तो याद रखना, एक को डिलीट कर रहे हो तो एक वीडियो अपलोड भी करो। जब भी रिव्यू के लिए भेजो, कम से कम 30 लॉन्ग वीडियो होनी चाहिए, 3 मिनट से ऊपर की, 30 रील होने चाहिए आपके, कम से कम 30 पोस्ट होने चाहिए उस पे, पोस्ट का मतलब फोटो आपकी होनी चाहिए उस पे। भाई सामने वाले को अगर बेवकूफ बनाओ भी तो ऐसा बनाओ कि लगे, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है फेसबुक की एक भी वीडियो नहीं है और आपके मिलियंस में रीच है, आपके मिलियंस में रीच है, आपके मिलियंस में इंप्रेशन गए हुए हैं, आपके 12,000 20,000 50,000 आपके फॉलोअर्स भी कंप्लीट है और वीडियो है ही नहीं, रिव्यू किस बात पे करेगा वो तुरंत रिजेक्ट करेगा भैया। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? समझने की कोशिश करो, जैसे ही सेटअप का ऑप्शन आता है और जैसे ही आप भेजते हो अपना रिव्यू के लिए कि हमारे हमारे जो इंस्ट्रीम ऐड को रिव्यू करके हमको अप्रूव कर दीजिए, हम यहाँ से पैसा कमाना चालू करते हैं, तो याद रखना
वीडियो भले अपनी डिलीट कर दो तुम, कॉपी पेस्ट 18 प्लस जो मन करता है वो कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 30-40 वीडियो, लॉन्ग वीडियो डालो, रील डालो, 30-40 रील डाल के रखो उस पर, लाइव आके रखो उस पर, कम से कम 10-15 लाइव आ जाओ उस पर, पोस्ट कर दो 30-40, दो चार स्टोरीज डाल दो, तब लगेगा कि हाँ जेन्युइन पेज है, शायद किसी वीडियो से रीच मिली होगी, कोई गड़बड़ी हुआ होगा, इसने वीडियो डिलीट कर दी होगी, वो तो फेसबुक समझ लेगा, बट ये तो नहीं समझेगा भाई कि पेज पे वीडियो ही नहीं है, रील ही नहीं है, 2-3 वीडियो में लाइव आए थे भैया, अब इनको अप्रूव कर दो और ये माल कमाना चालू कर दे। भैया रिजेक्ट होना ही होना है, समझ में आ रही है बात? और ये जो तुम लोग चक्रों में पड़े हो ना, गोल 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 घूम रहे हो, और आके मेरे को बोल देते हो कि यार वीडियो बड़ा क्यों बना रहे हो, सीधे मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पर, तो मुद्दे पे आ गया मैं, अब समझ लो इस चीजों को, समझ रहे हो ना? फेसबुक ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी कि हमारे वो लोग जो जो जहाँ की वीडियो देख के आपने गलतियां करी हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए फेसबुक की, ना किसी यूट्यूब की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए लोग, समझ रहे हो ना? उम्र होगी 20-22-21 साल, यही होगी सबकी उम्र जो भी वीडियो बना रहा है, ठीक है ना? मेरी थोड़ी ज्यादा है मालूम, मैं 30+ हूँ। तो भैया एक्सपीरियंस ही लोग अपना शेयर कर रहे हैं आपसे, बस सिंपल बात है, अगर होगा तो। और मैंने आपको पहले बता दिया है भाई, सोशल मीडिया पे कौन लोग आते हैं आपको अच्छी तरह पता है, क्लियर लोग, क्लियर मतलब जिनके पास टाइम ही टाइम है, वही इस पे अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं वीडियो बनाने में, जैसा मैं करता हूँ। बाकी जिनके पास मतलब समझ रहा हूँ ना, अभी मेरा क्या है, मेरा तो मेन मोटिव यही है, मेरा 24 घंटा यही है, फेसबुक पे मेरा काम करना है, यूट्यूब पे मुझे काम करना है, मेरा मेन फोकस इसी पर रहता है, तो मुझे तो उस पर काम करना ही करना है। अब कुछ लोग नए आ रहे हैं, वो इधर उधर की वीडियो देखते हैं, हम ही लोग की वीडियो देख के उसी को भाई कुछ नए तरीके से आपको बता देते हैं, आप लोग को लगता है कि नहीं, 5 बार लाइव आने से कैसे आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा मुझे बताओ? अगर किसी का गलती से ऑन भी हो जा रहा है ना, मेरी बात सुनो, अगर किसी का गलती से ऑन भी हो जा रहा है तो बहुत अच्छी किस्मत है उसकी, उसको भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई थैंक यू प्रभु कि आपकी वजह से मेरा ऑन हो गया, वरना नहीं होने वाला, 99% रिजेक्ट होकर ही आएगा। तो जैसा बताया है मैंने, कम से कम 30-40 लॉन्ग वीडियो डाल देना भेजने से पहले रिव्यू में, 30 कम से कम रील डाल देना, उसके बाद सुनो और डिलीट करो तो अपलोड करो। ये नहीं कि एक साथ तुमने 100 वीडियो डिलीट कर दी, एक साथ तुमने 100 रील डिलीट कर दिए, ऐसा गलती अगर एक साथ कर दिया ना तुमने, तुरंत स्पैम आ जाएगा, तुरंत वायलेशन आ जाएगा, तुरंत स्ट्राइक आने शुरू हो जाएंगी, तुरंत तुमको दिक्कत फेस करना पड़ेगा अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट का। तो एक डिलीट करो, दो डिलीट करो, तो फिर एक दो अपलोड करो, फिर एक डिलीट, रुक जाओ, सेटअप का ऑप्शन आता है ना, थोड़ा रुक जाओ, आते ही पागल ना बनो कि नहीं यार आ गया, बस फटाफट उसको भेजते रहो, तुरंत ही रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी भाई, और अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, कुछ भी सलाह लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि फेसबुक में क्या करें, कैसे करें, मतलब मेरे पास कोई टीम वीम नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही काम करता हूँ भाई, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसका मैं चार्ज लेता हूँ, अगर आप दे सकते हो तभी व्हाट्सअप करना या फोन करना, वरना मत करना भैया। आजकल मैं इसमें ब्लॉगिंग भी डाल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा स्विच भी कर रहा हूँ अपने कंटेंट को कि आपको अपनी डेली लाइफ भी दिखाऊं, और साथ में फेसबुक पे तो काम चलता ही है, आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर इंपॉर्टेंट होते हैं तो जरूर कवर अप करता हूँ मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए कवर अप किया मैंने, और बताना मुझे कैसी लगी वीडियो भाई। बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत मेहनत किया इस वीडियो के लिए भाई, बहुत सोचा समझा तब आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी, और आप लोग देख रहे थे टिप्स एंड टॉप्स, मेरा नाम है प्रशांत सिंह, बाय बाय।